वेलकम बैक टू द चैनल फिनांस टैक्स अकाउंट गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट टॉपिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। लास्ट वीडियो पार्ट वन में हमने यहाँ तक कंटिंजेंट एसेट्स जो हमारी ICAI तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की पब्लिश्ड अकाउंटिंग वोकैबुलरी है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, उनके कंटिंजेंट एसेट्स यहाँ तक हमने वर्ड का मतलब समझा था, इनकी एप्लीकेशन समझा था। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट में, जहाँ तक हो अगर संभव हुआ तो मैं थर्ड पार्ट बनाऊँगा, नहीं तो अगर सेकंड पार्ट आज हो जा रहा है तो इसी में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब येट माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ वीडियो। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स, नेक्स्ट अकाउंटिंग शब्दकोश। अकाउंटिंग शब्द का मतलब, अकाउंट्स में जो टर्मिनोलॉजी जो टर्म्स यूज होते हैं उनका मतलब। नेक्स्ट कंटिंजेंट लायबिलिटी, एन ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू एन एग्जिस्टिंग कंडीशन और सिचुएशन विच में अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? एन ऑब्लिगेशन, ये एक दायित्व है, ऑब्लिगेशन है, रिलेटिंग टू एन एग्जिस्टिंग कंडीशन और सिचुएशन, जो एक प्रेजेंट विद्यमान सिचुएशन या शर्तों से संबंधित है, विच मे अराइज इन फ्यूचर, कब अराइज होगा? वो फ्यूचर में, भविष्य में अराइज होगा। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये आश्रित किस पे है? अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, एक या एक से कई ज्यादा अनसर्टेन अनिश्चित भविष्य की घटनाओं पे निर्भर करेगा कि ये घटना होगा या नहीं होगा। समझिए दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्ट्रा अकाउंट, वन और टू और मोर अकाउंट्स विच पर्टिकुलरली और होल्ली सेट ऑफ अनदर और अदर अकाउंट्स। क्या मतलब हुआ? ये जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बनाते समय अगर ये गलती रह भी गई ना, पैसे मोहन को देने थे, आपने सोहन के अकाउंट को कर दिया, तो भी आपके कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? क्योंकि जब आप सोहन को पैसे देने थे, आप एंट्री क्या करते हैं, सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने क्या कर दिया, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर भी कैश का बैलेंस तो उतना ही रहेगा, है ना? सोहन और मोहन दोनों में से किसी न किसी को तो डेबिट होना ही था, वो ऑलरेडी डेबिट होगा ही होगा। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रा। सेकंड, इसी तरह कैश बैंक,
आप कॉन्ट्रा एंट्री डालते हैं, जब आप टैली या किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे एंट्री करेंगे तो वहाँ कॉन्ट्रा एंट्री करना होता है। तो कॉन्ट्रा मीन्स एक दूसरे का पूरक, सब्स्टिट्यूट, इस सेंस में आप समझेंगे। नेक्स्ट कॉस्ट, बस सिंपल मीनिंग जो आपके दिमाग में आ रहा है वही रखना है। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रिब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ परचेज, द परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेज, फ्रेट इनवर्ड। दोस्तों आपको अपने सप्लायर से आपके यहाँ आने का जो फ्रेट है, किराया है, गाड़ी भाड़ा है, ट्रक का किराया है, ट्रक का रेंट है ना, आप दो दो टाइम पे दे सकते हैं। एक आप जो अपने कस्टमर को गुड्स सामान भेजते हैं उस समय भी हो सकता है आप पे करें, वो नहीं, फ्रेट इनवर्ड, वो फ्रेट आउटवर्ड होता है। जब आप खुद ला रहे हैं, अपने यहाँ पे सामान ला रहे हैं तो फ्रेट इनवर्ड, इसी तरह फ्रेट आउटवर्ड जो आप अपने यहाँ से अपने कस्टमर के यहाँ भेज रहे हैं, है ना। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज का मतलब यहाँ टैक्स ही आप समझें, एक्साइज एक्ट है, वहाँ जो टैक्स लिया जाता है वहाँ टैक्स को ड्यूटीज बोला जाता है। इसी तरह कस्टम एक्ट है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को रिलेट करता है, वहाँ भी टैक्स वसूली को ड्यूटीज कहा जाता है। तो आप समझेंगे ड्यूटीज मीन्स टैक्स, फ्रेट इनवर्ड एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू एक्विजिशन, इसका मतलब डायरेक्टली खरीदारी से आपका संबंधित हो, लेस ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स। दोस्तों ये रिबेट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट तो आप समझ गए होंगे हर किसी को मिलता है, यही अगर कैश डिस्काउंट, नहीं कैश डिस्काउंट लेस नहीं करेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि कैश डिस्काउंट हर किसी को नहीं मिलता है। जो कैश पेमेंट करता है, कैश पेमेंट की टर्म को फुलफिल करता है, सिर्फ उसको मिलता है, तो वो परचेज की कॉस्ट से कभी भी लेस नहीं करेंगे आप, है ना, क्योंकि उसकी एंट्री भी होती है ना। नेक्स्ट ट्रेड डिस्काउंट, ये लेस होगा। रिबेट्स एक तरह से टैक्स का छूट है, आप ये समझे फिलहाल टैक्स का छूट है। ड्यूटी ड्रॉबैक्स, ये भी आप समझे टैक्स का ही छूट है, आपको रिफंड मिलता है, आप इसे रिफंड की तरह समझे, जैसे इनकम टैक्स में रिफंड मिलता है, पैसे वापस मिलते हैं, जो आपका टैक्स सरकार ने ले लिया वो आपको वापस देती है, आप इस सेंस में इसे समझे। एंड सब्सिडीज दोस्तों आप जानते होंगे, जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है या कुछ छूट देती हैं, है ना, ये सब्सिडी आप इस सेंस में समझेंगे सब्सिडी। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच परचेज, इस परचेज से संबंधित ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक एंड सब्सिडीज लेस करेंगे, ऐड क्या करेंगे, ड्यूटीज टैक्सेज, इन सब को छोड़कर। अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है तो सबसे पहले तो ड्यूटीज टैक्सेज, फ्रेट इनवर्ड, अदर एक्सपेंस जो डायरेक्टली इससे संबंधित है, इस परचेज से आप ऐड करेंगे, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक एंड सब्सिडी, समझ गए। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ परचेज कहलाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जस्ट अपोजिट, यहाँ आपने परचेज किया, यहाँ पे सोल्ड मीन्स सेल कर रहे हैं, उसका कॉस्ट क्या होगा, अब आप दोस्तों समझे, यहाँ आपका कॉस्ट ऑफ परचेज है,
यहाँ भी कॉस्ट ही है, लेकिन ये क्या, कौन सा कॉस्ट है? जो आपने सामान बेचा उसका क्या कॉस्ट है आपके लिए? एंड आपने परचेज क्या किया, वो नहीं, कितना क्या हमें मतलब नहीं, इस सामान को बेचने से, इस सामान को जब हम बेच रहे हैं तो इस सामान को बेचने से मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, ये डिटरमाइन करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए, ये तय करने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना होता है, डिटरमाइन करना पड़ता है। चलिए देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आप अभी इतना समझे कि ऐसे खर्चे जो आपको पता नहीं चलता कि डायरेक्टली परचेज को देना, जैसे रेंट, पूरे फैक्ट्री का रेंट लग रहा है ना? तो आप इस ओवरहेड्स मतलब सर के ऊपर नहीं, मीन्स सबके सर पे पड़ना है खर्च, कॉमन एक्सपेंस, फैक्ट्री का कॉमन एक्सपेंस समझे, ये फैक्ट्री का कॉमन एक्सपेंस। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस तो आप समझ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मीन्स जो आपके ऑफिस के खर्चे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट के खर्चे, आर नॉर्मली एक्सक्लूडेड। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, ये तो इनका डेफिनेशन हो गया है ना। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो मटेरियल का कॉस्ट तो आप लेंगे ना, बिल्कुल लेंगे। लेबर का जो कॉस्ट लग रहा है आपको, लेबर रखने में, लेबर से वर्क करवाने में, उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट्री का ओवरहेड्स आप लेंगे, बिल्कुल लेंगे। आप ऐड करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कितना आपको इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, इस प्रोडक्ट को, इस सामान को बनाने में आपका क्या खर्च आया। लेकिन इससे आप नॉर्मली सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं इसमें काउंट करेंगे। नॉर्मली ये अलग अलग सिचुएशन, और इसके बारे में आगे जब ट्रीटमेंट होगी उस वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आप समझ गए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट कन्वर्जन कॉस्ट, बस इसका सिंपल मीनिंग है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन किसका, जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप टीवी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहे हो है ना, आप बिस्किट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसका कन्वर्जन कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल और कंपोनेंट इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। सेमी फिनिश्ड मीन्स आधा अधूरा कंप्लीट, समझ रहे होंगे। दिस नॉर्मली इंक्लूड्स कॉस्ट विच आर स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल टू यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क। सब कॉन्ट्रैक्ट आप समझ रहे होंगे दोस्त, उप ठेकेदारी मीन्स आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने ठेका लिया, आपने छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को अलग छोटे छोटे काम के लिए एक अलग से ठेका दे दिया। सपोज आपको डैम बनाने का ठेका मिला, एक पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपने क्या किया, उस पुल का पिलर लगाने के लिए किसी दूसरे को आपने ठेका दे दिया, सिर्फ पिलर लगाने के लिए। फिर कंक्रीट डालने के लिए किसी और को ठेका दे दिया। तो ये जो छोटे छोटे ठेके आपने दिए दूसरे को उस काम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, वो सब कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कॉमन एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड,
एज एप्लीकेबल अगर है तो इन अकॉर्डेंस विद ईदर द डायरेक्ट कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। अब दोस्तों कॉस्टिंग के दो मेथड होते हैं, यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है एक डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट जितना लगा लगा दो, दूसरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, ये ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब मींस ओवरहेड्स कॉमन खर्चे उनको जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना उसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड कहा जाता है, समझ गए। प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्सक्लूड एक्सपेंसेस विच रिलेट टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेम अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था, फिनांस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कन्वर्जन कॉस्ट, इसमें क्या करते हैं आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड या सेमी फिनिश प्रोडक्ट में, गुड्स में आप कन्वर्ट करते हैं, या कंपोनेंट को असेंबल कर फिनिश्ड गुड्स या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं आप, है ना। जनरली इसमें सिर्फ डायरेक्टली जो लेबर मटेरियल या अदर डायरेक्ट जो इस प्रोडक्शन से रिलेटेड है या सब कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने दिया है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हुए, वो सारे इंक्लूड होते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस कॉमन एक्सपेंस फैक्ट्री का प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो एब्जॉर्ब डिस्ट्रीब्यूट होता है एक प्रोपोर्शन में, उसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड कहते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना। इसे ही हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। आपको अब से यही ध्यान में रखना है कन्वर्जन कॉस्ट ये होता है। कन्वर्टिबल डिवेंचर, दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात करा था डिवेंचर्स बॉन्ड्स, याद आ रही है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर जाके देखें, प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, आप प्लेलिस्ट से वो वीडियो पार्ट वन आप जरूर देखें, ये सेकंड पार्ट है, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स आर डिवेंचर विच गिव्स द होल्डर अ राइट टू इट्स कन्वर्जन नॉर्मली होली और पार्टली इन शेयर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू। ये डिवेंचर होता क्या है, लोन, जब कंपनियां लोन लेती है तो वो बॉन्ड या डिवेंचर के रूप में जनरली पब्लिक से लोन लेती है, जब वो उन्हें पब्लिक से लोन लेना होता है, आप पब्लिक से लोन नहीं ले सकते है ना, स्टॉक मार्केट में जाकर आप पर्सनली जिनकी जानते हैं वो आपको लोन देते हैं, वो एक अलग बात, लेकिन स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्टेड होती हैं, वहाँ पे कंपनियां पब्लिक से लोन लेती है तो वो इशू करती है डिवेंचर, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उस पर अगर ये कंडीशन लगा होता है जिस डिवेंचर में कि आप डिवेंचर को 5 सालों बाद 10 सालों बाद एक फिक्स्ड पीरियड बताया जाता है, टाइम बताया जाता है, डेट बताया जाता है कि इस डेट को आपके शेयर आपके एक डिवेंचर के बदले आपको एक शेयर, दो शेयर या आधा शेयर, आपके दो शेयर के दो भी दो डिवेंचर के बदले एक शेयर, जैसा भी कंडीशन हो वो आपको इशू के टाइम पे ही ऐसा बताया जाता है, उस डिवेंचर में आपका लिखा रहता है, उसके एग्रीमेंट और टर्म्स एंड कंडीशन में पहले ही आपको लिखा जाता है कि आपको इतने डिवेंचर के बदले इतने शेयर मिलेंगे, इस डेट को मिलेंगे, है ना। तो इन्हें ही कन्वर्टिबल डिवेंचर, तो कन्वर्टिबल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये शेयर में कन्वर्ट होते हैं, इन जनरल शेयर में प्रिफरेंस शेयर या फिर इक्विटी शेयर या फिर प्रिफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इन्हें कन्वर्टिबल डिवेंचर नाम दिया गया। नेक्स्ट कम्युलेटिव डिविडेंड, अ डिविडेंड पेबल
ऑन कम्युलेटिव प्रीवियस ईयर्स व्हिच इफ अनपेड एक्युमुलेट्स एज अ क्लेम अगेंस्ट द अर्निंग ऑफ अ कॉर्पोरेट इंटरप्राइज बिफोर एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड टू द अदर शेयर होल्डर्स. अदर शेयर होल्डर्स मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स. अगर कंपनियां प्रिफ्रेंस शेयर इशू कर रखी है, इसका मतलब इक्विटी शेयर तो डेफिनेटली होगा. इक्विटी शेयर तो हर कंपनी को मैंडेटरी है इशू करना. प्रिफ्रेंस शेयर ऑप्शनल होता है, ठीक है. अगर आपने प्रिफ्रेंस शेयर को उनके होल्डर को प्रिफ्रेंस शेयर के होल्डर को एक फिक्स्ड परसेंटेज जो पहले डिटरमाइंड होता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रिफ्रेंस शेयर, आप डिविडेंड नहीं पे करते हैं तो वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हैं. और जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल कर रहे हो, मींस बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कर रहे हो, तो उसे आप एक्यूमुलेटेड डिविडेंड अकाउंट में ले जाते हैं. इसे ही कम्युलेटिव डिविडेंड मीन्स जमा हो रहा है, एक साथ कम्युलेट हो गया है ना. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये नॉर्मल मीनिंग है इनका. सेकंड, कम्युलेटिव प्रेफरेंस है. अभी जो हमने बात करा ऊपर एग्जाम पे, यही है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर. मीन्स इसमें एक पेच है, मीन्स एक समस्या है, एक समझने वाली बातें. आइए देखते हैं. अ क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंटाइटल टू पेमेंट ऑफ कम्युलेटिव डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर आर ऑलवेज डीम्ड टू बी कम्युलेटिव unless they are expressly made non-cumulative. दोस्तों अभी मैंने बताया कंपनियां शेयर इशू करती हैं दो टाइप की, फर्स्ट इक्विटी शेयर, सेकंड प्रिफरेंस शेयर. इक्विटी शेयर की कोई बात ही नहीं है, वो मेन ओनर होते हैं. प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स ये सेकेंडरी सेकेंड क्लास सिटीजन हुए, समझ लो आप कंपनी में ये सेकेंड क्लास सिटीजन हुए, ये सेकेंड क्लास ओनर होते हैं. इनका इन्हें रिस्क कम तो रिवार्ड भी कम मिलता है, लेकिन इनका रिवार्ड फिक्स होता है और इक्विटी से पहले होता है, इसलिए इनका नाम प्रिफरेंस, इनको प्रिफरेंस दिया गया है. किन से? इक्विटी शेयर होल्डर से, डेवेंचर शेयर होल्डर से नहीं, समझ रहे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको प्रिफरेंस दिया गया है, इसलिए इसे प्रिफरेंस शेयर बोलते हैं. पहला. सेकंड, अब प्रिफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं, दो तरीके से इशू होते हैं. एक प्रिफरेंस शेयर कम्युलेटिव प्रिफरेंस शेयर, सेकंड नॉन कम्युलेटिव. इस कम्युलेटिव के पीछे नॉन, एन ओ एन, नॉन, नॉन कम्युलेटिव प्रिफरेंस शेयर. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिएगा, बारीकी से समझिएगा. अगर कंपनी इशू करती है, अगर कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ प्रिफरेंस शेयर नाम देती है, इसका मतलब वो कम्युलेटिव प्रिफरेंस शेयर है. दोबारा से सुनिएगा दोस्तों, अगर कंपनी प्रिफरेंस शेयर इशू करती है एंड एक्सप्रेसली कुछ नहीं बताती कि ये नॉन कम्युलेटिव है या कम्युलेटिव है, या बताती है कि कम्युलेटिव है, फिर तो ऑलरेडी कम्युलेटिव हो गई. अगर नहीं बताती है कुछ, तो यह माना जाएगा, डिम्ड मीन्स माना जाएगा कि यह कम्युलेटिव प्रिफरेंस शेयर है. लेकिन अगर उसने इशू करते समय बता दिया कि ये नॉन कम्युलेटिव प्रिफरेंस शेयर है, तो उसे कहा जाएगा यह नॉन कम्युलेटिव प्रिफरेंस शेयर है. अब ये कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव होने से
क्या फर्क पड़ेगा दोनों में, अंतर क्या है? अंतर है दोस्तों, आप जानते हैं कि शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, उसे आप नाम देते हैं डिविडेंड। याद आ रही है? बिल्कुल। डिविडेंड कब देते हैं? जब प्रॉफिट होता है। जब प्रॉफिट नहीं होता है तो डिविडेंड नहीं दिया जाता। लेकिन लेकिन कम्युलेटिव प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को, जिनके पास कम्युलेटिव प्रिफरेंस शेयर है, उन्हें अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो इस साल डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन लेकिन अगले साल, नेक्स्ट ईयर, जब प्रॉफिट होता है तो इन्हें दोनों सालों का या उससे पीछे के जितने सालों में प्रॉफिट नहीं हुआ और इन्हें डिविडेंड नहीं मिला, उतने सालों का जोड़कर डिविडेंड दिया जाएगा। यही बातें ये कम्युलेटिव डिविडेंड की यहाँ कर रहे हैं, जो कि हमने अभी अभी तुरंत ऊपर पढ़ा था। तो समझ गए दोस्तों आपको, कम्युलेटिव क्या होता है, नॉन कम्युलेटिव क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। नेक्स्ट, करंट एसेट्स। इसका सिंपल मीनिंग है, कोई बड़ी बात नहीं, जो आपके दिमाग में है आप उतना ही रखिए। करंट एसेट्स मीन्स करंट है, चलता फिरता है, फिक्स्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैश, कैश एंड अदर एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इंटू कैश और कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे दोस्तों कई टेक्निकल वर्ड आ गए, मैं आपको एक एक कर सबका बताता हूँ। सबसे पहले तो करेंट एसेट्स किसे बोलते हैं, कैश या अदर एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इन कैश, जो आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या लैंड को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो कैश में? नहीं। बिल्डिंग को? नहीं। इसलिए उसे आप फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। लेकिन आपके पास फर्नीचर है, वो तो आप आसानी से बेच के उसे कैश में कन्वर्ट कर लोगे, है ना? तो इसीलिए उसे करेंट एसेट्स कहा जाता है। और कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कंज्यूम्ड मतलब उपभोग, आपने यूज किया। कहाँ किया? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, आप सामान बनाने के लिए, गुड्स मीन्स सामान, आप हिंदी में माल भी कहते हैं, माल का किराया, है ना? मोहन को माल बेचा, सोहन से माल खरीदा, आप एंट्री करते हैं ना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। गुड्स मीन्स सामान। और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, दोस्तों जब सर्विस देते हैं ना तो वहां पर टेक्निकल वर्ड क्या यूज किया जाता है, रेंडरिंग। रेंडर मीन्स, रेंडरिंग मीन्स सर्विस दे रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन इसे जब आप यूज करते हैं इस टर्म को, रेंडर को, तो आप सामान दे रहे हैं वहां पे, आप ये नहीं कहेंगे रेंडरिंग ऑफ गुड्स, नो नो। वहां ये वर्ड रेंडरिंग यूज किया जाता है सर्विस को प्रोवाइड करने, सर्विस को देते समय सर्विस के साथ रेंडरिंग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? ये ध्यान में रखना है आपको। इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मीन्स नॉर्मल, मीन्स नॉर्मल सामान्य। कोर्स ऑफ बिजनेस मीन्स, कोर्स ऑफ बिजनेस मीन्स बिजनेस के लिए, बिजनेस प्रैक्टिस, समझ गए? तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मीन्स सामान्यतः बिजनेस में। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटी, जस्ट अपोजिट करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। आइए पढ़ते हैं। लायबिलिटी इंक्लूडिंग लोन्स, डिपॉजिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट व्हिच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, नॉर्मली नॉट मोर देन 12 मंथ्स। क्या समझ में आया?
ऐसी लायबिलिटी इंक्लूडिंग लोन मीन्स उसमें लोन डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स मीन्स आपके पास लोगों ने पैसे जमा कर रखे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब आपका जो बिजनेस है उसका करंट अकाउंट है बैंक में, बैंक ने कहा आपके करंट अकाउंट से आप के बैंक में पैसे 5 लाख भी हो तो आप 6 लाख रुपए हमसे 6 लाख का पेमेंट कर सकते हो आप अपने सप्लायर को, आपके बैंक में पैसे नहीं भी है तो भी आपके पास मैं 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करने का अधिकार दे देता हूँ, इसलिए ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट वर्ड यहाँ यूज किया जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपको करेंट अकाउंट पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। इस लोन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप जितने दिन इनका पैसा यूज करोगे आप सिर्फ उतने दिन का है इंटरेस्ट दोगे, और इसके लिए आपको बैंक के चक्कर नहीं लगाने। अगर आपके बैंक ने आपके लिए एक बार 1 करोड़ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी मीन्स आप 1 करोड़ तक जितने भी पैसे चाहें आप एक्स्ट्रा बैंक से लोन ले सकते हैं, मीन्स आपके पैसे नहीं भी हैं खाते में फिर भी आप क्लाइंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चेक काट सकते हैं 1 करोड़ रुपये तक। फिर आप जब बैंक में पैसे जमा करेंगे तो बैंक अपने जितने दिन यूज किया है पैसे, जितने दिनों बाद उनको अपने पैसे लौटाए हैं उतने दिनों पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी। तो आपने दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब भी समझ लिया है। विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिव शॉर्ट ऑफ पीरियड, दोस्तों दोबारा से पढ़ते हैं। लायबिलिटी इंक्लूड्स लोन डिपॉजिट बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स आपको देना है पैसे देना है, आपको समझ रहे कि लायबिलिटी है ना। अब डिफरेंस करना है करेंट है या फिक्स्ड है ना। विच फॉल ड्यू मीन्स आपको लौटाने हैं, आपकी जो लायबिलिटी है वो देनी है। रिलेटिवली शॉर्ट ऑफ पीरियड मीन्स बहुत कम, बहुत जल्द आपको लौटाने हैं। नॉर्मली बहुत जल्द का मतलब क्या आप पूछेंगे ना, बहुत जल्द का मतलब 5 साल, 10 साल, 20 साल कुछ भी हो सकता है, नहीं 2 दिन, 4 दिन नहीं। नॉर्मली नॉट मोर देन 12 मंथ, ये बिजनेस प्रैक्टिस है कि आज आप ये तय कर रहे हैं कि करेंट है या नॉन करेंट है, तो आज के डेट से आप 12 मंथ आप देखेंगे, 12 मंथ के अंदर तो मुझे पैसे वापस नहीं करने, अगर करने हैं तो वो करेंट लायबिलिटी माना जाएगा, अगर 12 मंथ के बाद करने हैं तो उसे नॉन करेंट लायबिलिटी माना जाएगा। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट डेफरल, डेफरल नॉर्मल मीनिंग है इनका, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। पोस्टपोनमेंट मीन्स आपने अभी पोस्टपोन कर दिया, आपने अभी रोक दिया। ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंस कुछ भी, आफ्टर इट्स रिलेटेड रिसीट और पेमेंट और इनकरेंस ऑफ ऑल लायबिलिटी टू सब्सिक्वेंट पीरियड टू विच इट अप्लाइज, है ना। जब देना था उस दिन नहीं देके आगे डेट एक्सटेंड कर लिया। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डेफरल इंक्लूड प्रीपेड रेंट है ना एंड टैक्सेज, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये भी हो सकता है, बाय न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन सेलिंग कंपनीज, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी नॉर्मल मीनिंग है, डेफिशिएंसी मीन्स कमी। द एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज ओवर एसेट्स, हम कहाँ पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग के लिए पढ़ रहे हैं, ये दोस्तों हमेशा दिमाग में रखना है, किसके लिए पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग फाइनेंस ऑडिटिंग के लिए पढ़ रहे हैं। ऑडिटिंग का बेस अकाउंटिंग, फाइनेंस का बेस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो पहला हम अकाउंटिंग के लिए जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। डेफिशिएंसी मींस नॉर्मल भी बोलते हैं हमें, भाई विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है ना,
लेकिन यहाँ किसकी डेफिशिएंसी, द एक्सेस ऑफ लायबिलिटी ओवर असेट्स, आपकी संपत्ति 10 करोड़, लायबिलिटी 12 करोड़ ऑफ एन इंटरप्राइज एट अ गिवन डेट, एक फिक्स डेट को, द डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये एक एग्जांपल है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। डेफिसिट इसका मतलब क्या, इसका मतलब भी कमी है ना, यही जो अभी आपने एग्जांपल पढ़ा, द डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। द डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मीन्स लॉस, डेफिसिट लॉस है ना दोस्तों, दोस्तों लगता है यहाँ रिपीट हो रही है डेप्लेशन। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, अ मेजर ऑफ एग्जशन ऑफ अ वेस्टिंग असेट्स, माइनिंग याद आ रही है, अगर नहीं आपने देखा है पिछला वीडियो आप जरूर देखें, पार्ट वन, रिप्रेजेंटेड बाय पीरियोडिक राइट ऑफ ऑफ कॉस्ट और अदर सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू। पीरियोडिक राइट ऑफ मीन्स अगर आपने इस माइंस का पीरियड डिसाइड किया 10 वर्ष, मीन्स 10 ईयर्स तक आप उससे माइनिंग करेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, आप 10 ईयर्स तक जितने ऑयल एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर लो, तो आपने अगर 10 करोड़ गवर्नमेंट को उसके लिए रॉयल्टी या जो फीस दिए हैं, तो आपने क्या करना है, पर ईयर 1 करोड़, पर ईयर 1 करोड़ आप पेल अकाउंट में राइट ऑफ करोगे, यही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सबसे पहला तो डेप्रिसिएबल एसेट्स पे ही लगेगा, है ना, डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ वेयरिंग आउट कंजम्पशन और अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स, मतलब डेप्रिसिएबल एसेट्स की वैल्यू कम होगी, अराइजिंग फ्रॉम यूज एफ्लक्शन ऑफ टाइम, टाइम बीत रहा है आप यूज किए ना किए कम तो होगा ना, एब्सलेंस आउट ऑफ प्रैक्टिस, एब्सलेंस मीन्स आउट ऑफ यूज, अब वो यूजफुल नहीं रहा, मीन्स वो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, बेकार हो गई, थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चेंजेज डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड सो एज टू चेंज अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड, जो मैचिंग कॉन्सेप्ट, जितने पीरियड का रेवेन्यू उतने पीरियड का एक्सपेंस है ना, जिसका फायदा उसी का नुकसान, मीन्स जिस समय मुनाफा हुआ उस समय क्या हानि हुआ बैलेंस करो, वही आपका नेट मुनाफा हुआ है ना, जितनी रिवेन्यू आई उसी पीरियड में कितना कॉस्ट हुआ वो देखो, तभी तो आप नेट प्रॉफिट निकालोगे, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को फुलफिल करना है, इसीलिए डेप्रिसिएशन एंड एक अमोर्टाइजेशन जो आगे आएगा मैं बताऊंगा, अमोर्टाइजेशन इसी का भाई है, ये तीनों भाई बहन है, समझ गए, डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड है सो एज टू चार्ज अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड फॉर मैचिंग कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। अब आप कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, आप एक अनुमान लगाते हैं, जैसे आपने जैसे परचेज किया तो आपके जो सेलर हैं, आपने जैसे परचेज किया वो वारंटी बताते हैं, गारंटी बताते हैं, ये 20 साल चलेगा मशीन, आपने अनुमान लगाया 20, हो सकता है 25 साल भी चले, 25 ईयर्स, तो आप उसे 25 से डिवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू है उतने उतने आप पर ईयर
डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ अनुमान लगा रहे हैं ना, इसलिए एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स। अमोर्टाइजेशन मीन्स डेप्रिसिएशन किस पे, वो तो फिजिकल एसेट्स नहीं होता, इंटेंजिबल एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगता है आप उसे अमोर्टाइजेशन का नाम देंगे। हम देते हैं ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, समझ रहे, इन सब का मैं अलग से बताऊंगा ये होता क्या है। द एसेट्स हूज यूजफुल लाइफ इज प्री डिटरमाइंड, जिनकी लाइफ डिटरमाइंड है। डेप्रिसिएबल अमाउंट, जिस अमाउंट पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो कौन सा अमाउंट होता है देखिए। डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ और डेप्रिसिएबल एसेट इज इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने में हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स जिस कॉस्ट पे उसे परचेज किया, और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू मीन्स जो इस एसेट्स की लास्ट वैल्यू बचेगी, मीन्स 25 साल अगर मशीनरी चलनी है तो 25 साल बाद इसे बेचेंगे, तो कबाड़े में जब हम बेचेंगे, स्क्रैप करके जो बेचेंगे, तो ये कितने की बिकेगी वो लेस करके करते हैं हम डेप्रिसिएशन चार्ज। इसे ही स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं आप। रेजिडुअल वैल्यू मीन्स स्क्रैप वैल्यू, दोनों सेम है। तो इसका मतलब डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या हुआ, जो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट है या कोई सब्स्टिट्यूट किया है। यहीं पर रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आता है, ये सब्स्टिट्यूट वर्ड है ना, ये सब्स्टिट्यूट वर्ड मीन्स आप रिवैल्यूएशन समझें, रिवैल्यू कर दिया वैल्यू को ठीक है, लेस, और इसमें से लेस करेंगे माइनस करेंगे एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू, वो डेप्रिसिएबल अमाउंट होगा और उसी अमाउंट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। एग्जाम्पल, आपने 25 लाख रुपए में एक मशीनरी खरीदी, ईयर वन में आपने अनुमान लगाया 25 साल चलेंगे, आपने फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिए, पीएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट ईयर आपने अनुमान लगाया कि नहीं, ये मशीनरी आज अगर मैं खरीदता हूँ तो आज भी मुझे 25 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे, है ना। लेकिन आप ये भी आप अनुमान लगाएं कि 5 लाख रुपए तो मुझे आगे जाकर वापस मिल सकता है 25 साल बाद, मीन्स अब 24 साल बाद, ये रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू है ना। तो अब हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करें, 25 लाख माइनस 5 लाख डिवाइड 24 डिवाइड 24। अभी वाले एग्जांपल में मैंने दोस्तों फर्स्ट ईयर में ये मान के चला कि रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू 0 है, अगर वहां भी 5 लाख करना है तो 5 लाख पहले से माइनस कर दें, समझ गए। तो जो आपको अमाउंट आ रहा है डिवाइड करने से पहले वो डेप्रिसिएबल अमाउंट है, और जब आप ईयर से डिवाइड कर देते हैं तो वो डेप्रिसिएशन अमाउंट हो जाता है उस अकाउंटिंग पीरियड, मीन्स उस आप नॉर्मली आपके उस ईयर के लिए जिस ईयर एंड पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। नेक्स्ट डेप्रिसिएबल एसेट्स, चलिए दोस्तों डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ही, हालांकि इस पे एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हुआ करता था, अब 6 को 10 में मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पहले फिक्स्ड एसेट्स के लिए हुआ करता था और AS6 डेप्रिसिएशन के लिए, अब इन दोनों को मिक्स कर AS10 नाम दिया गया है, 6 एबोलिश कर दिया गया है, और उनका नाम भी चेंज कर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाम दिया गया है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां आपको डिटेल विद एग्जांपल बताऊंगा। अभी आप सिर्फ टर्म समझे, टर्म है क्या और इसका ब्रीफिंग मैं सभी एसए का एंड इंडियस दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों अलग हैं, है ना, दोनों अलग हैं। क्यों हैं, क्या है, ये कन्फ्यूजन रहता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला वीडियो जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टर्म पढ़ते हैं। टर्म डेप्रिसिएबल एसेट्स। डेप्रिसिएबल एसेट्स आर एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। समझ में आ गया। हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ 25 years, आर हेल्ड बाय एन इंटरप्राइज फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चर है, दोनों केस में, ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स, फॉर रेंटल ऑफ अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस में किसी भी पर्पस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, किसी और पर्पस, जो बिजनेस पर्पस का सब पर्पस है, एंड नॉट फॉर पर्पस ऑफ सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दोस्तों ऑर्डिनरी मीन्स सामान्यतः, कोर्स ऑफ बिजनेस अभी मैंने बताया था, बिजनेस के लिए सामान्यतः बिजनेस में जो सेल करने के लिए आप एसेट्स रखते हैं वो आपका डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल कार, आप अकाउंटिंग सर्विस देते हैं तो आप क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट प्लेस पे जाते हैं अकाउंटिंग करने, तो कार आपके लिए डेप्रिसिएबल एसेट्स हुआ, लेकिन कार बेचने वाली जो कंपनी है या जो डीलर है वो उनके लिए डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हेल्ड कर रखा है, मतलब रखा है उस कार को, क्यों, पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो उनका सामान्य नॉर्मल बिजनेस व्यवहार है, वो उनका नॉर्मल, उनके लिए नॉर्मल सी बात है कि वो सामान्यतः वो सामान बेचता है, वो उनके लिए डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है, आपके लिए डेप्रिसिएबल एसेट्स। आप देखें सिचुएशन वाइज ये डिपेंड करेगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट डेप्रिसिएशन मेथड। दोस्तों डेप्रिसिएशन मेथड मैं जब एएस पढ़ाऊंगा आपको डिटेल बताऊंगा। एनी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन फॉर ए अकाउंटिंग पीरियड WDB मेथड, याद आ रही है? बिल्कुल, मैं वहां पे डिटेल बताऊंगा दोस्तों, आप निश्चिंत हो। डेप्रिसिएशन रेट ऑफ परसेंटेज अप्लाइड टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट और सब्स्टिट्यूटेड अमाउंट ऑफ और डेप्रिसिएबल एसेट और इन केस ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द हिस्टोरिकल कॉस्ट और द सब्स्टिट्यूटेड अमाउंट लेस accumulated depreciation, इन सब accumulated depreciation मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था, आप वो वीडियो देखें। नेक्स्ट diminishing balance method, अभी मैंने दोस्तों बात किया आपसे WDV method, written down value method, यही है इनका ही दूसरा नाम, diminishing balance method, नाम से ही क्लियर है। अ मेथड अंडर विच द पीरियोडिक चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट इज कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग अ फिक्स्ड परसेंटेज टू इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट और
सब्स्टिट्यूटेड अमाउंट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू. दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज रिटेन डाउन वैल्यू मेथड. क्या समझ में आया दोस्तों कि आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो फिक्स्ड अमाउंट पे नहीं करेंगे, ये आपका डेप्रिसिएबल वैल्यू, ये है ना डेप्रिसिएबल अमाउंट, और ये चेंज होगा. जनरली आप क्या करते हैं, 25 लाख की मशीनरी 25 ईयर इनकी या 20 ईयर्स इनकी यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू रिजिडुअल वैल्यू 5 लाख. फिर आप क्या करते हैं, पर ईयर आपका डेप्रिसिएबल अमाउंट सेम होता है. कितना होता है हमारे एग्जांपल में, 20 लाख, 25 लाख माइनस 5 लाख 20 लाख, एंड 20 ईयर अगर यूजफुल लाइफ है तो पर ईयर 1 लाख. लेकिन वो मेथड कौन सा मेथड कहलाता है जो अभी हमने डिस्कस किया, फिक्स्ड मेथड. ये मेथड क्या कहलाता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड. यहाँ डेप्रिसिएबल अमाउंट पर ईयर चेंज होगा. अब हमारे एग्जांपल में 25 लाख कॉस्ट, फर्स्ट ईयर आपने 1 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, देन नेक्स्ट व्हाट, देन नेक्स्ट ईयर आप क्या करेंगे, आपने जो डेप्रिसिएशन का रेट निकाला क्या रेट था, 5%. कैसे, 20 ईयर्स 20 लाख 1 लाख आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया मीन्स 5%, तो आपने परसेंटेज फिक्स कर दिया 5% पर ईयर डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी. लेकिन अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से आप चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, तो आपने फर्स्ट ईयर में कितना चार्ज किया डेप्रिसिएशन, 1 लाख. लेकिन नेक्स्ट ईयर से आप 5% कितने का लेंगे, 20 लाख और लेस 1 लाख, 19 लाख का ही लेंगे 5%. समझ रहे हैं दोस्तों, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है जिस पे रेट फिक्स होता है, डेप्रिसिएशन का आपका रेट फिक्स होगा. लेकिन आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो किस अमाउंट पे चार्ज करेंगे, जो रिटेन डाउन वैल्यू है, मीन्स अगर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है तो उनकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट या उनकी सब्स्टिट्यूटेड कॉस्ट है उससे आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन अमाउंट, एंड देन आप परसेंटेज चार्ज करेंगे. यहाँ पर रिजिडुअल वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट आप नहीं देख रहे हैं, है ना दोस्तों, क्यों, क्योंकि रिजिडुअल वैल्यू ऑलरेडी लास्ट ईयर के एंड में उतना ही बचेगा 5 लाख. तो जब आप सेकेंड ईयर आप कितना चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, 20 लाख की अगर मशीनरी है तो 20
-1 लाख, जो आपने पिछले साल नेक्स्ट लास्ट ईयर में आपने चार्ज कर लिया, लेस 1 लाख बैलेंस बचा 19 लाख। 19 लाख पे आप 5% चार्ज करेंगे। तो ये सेकंड एग्जांपल में मेरा मशीनरी का कॉस्ट क्या 20 लाख, और फर्स्ट एग्जांपल में मैंने मशीनरी का कॉस्ट क्या लिया था 25 लाख लेस रिजिडुअल वैल्यू। लेकिन यहाँ हमने रिजिडुअल वैल्यू की बात नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये जो परसेंटेज 5% निकलता है ना, ये 5% रिजिडुअल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए निकाला जाता है बैक कैलकुलेशन कर, ठीक है ना दोस्तों? तो वो डिटेल हो जाएगा, वो उसके लिए बहुत लंबा लेक्चर लगेगा, वो मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखना। नेक्स्ट, डिस्काउंट और रिडक्शन फ्रॉम और रिडक्शन फ्रॉम अ लिस्ट प्राइस, कोटेड प्राइस और इनवॉइस प्राइस। डिस्काउंट नॉर्मल सी मीनिंग ऑफ समझे, रिडक्शन कम देंगे लिस्ट प्राइस से, कोटेड प्राइस से, इनवॉइस प्राइस से, आप नॉर्मली समझो एमआरपी से। है ना? लेकिन हम टेक्निकल लैंग्वेज में एमआरपी नहीं बोलेंगे, हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम इनवॉइस प्राइस, कोटेड प्राइस, लिस्ट प्राइस, ये वर्ड याद रखेंगे। नेक्स्ट, डिविडेंड। दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया था, डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। शेयर होल्डर मीन्स कंपनी का ओनर, उनको अब प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, तो उन्हें डिविडेंड कहा जाता है। नेक्स्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट, द व्यू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द अकाउंटिंग एंटिटी एंड इट्स ओनर एंड इट्स ओनर्स विच रिगार्ड द एंटिटी एज अ सेपरेट पर्सन डिस्टिंग एंड अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यही है एंटिटी कॉन्सेप्ट। आम बोलचाल की भाषा में आप सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, लेकिन इनका टेक्निकल नाम एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंटिटी मींस आप जिसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप एबीसी इंटरप्राइजेज, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड एंड उसके प्रोप्राइटर, उनके शेयर होल्डर, दोनों के बीच का रिलेशनशिप आप जब देखते हैं एंड इट्स ओनर विच रिगार्ड इस एंटिटी एज अ सेपरेट पर्सन, दोनों को आप अलग मानेंगे, तभी तो वो कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था, बहुत ही काफ़ी लंबे समय तक मैंने डिस्कस किया था, आप वो वीडियो जरूर देखें। डिस्टिंक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर, अलग है, मीन बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर सेपरेट। 1 लाइन, बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर सेपरेट। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर, शेयर विच इज नॉट अ प्रिफरेंस शेयर ऑल्सो समटाइम कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर मीन्स मेन मालिक। अभी हमने बात है ना, बात करा था अभी भी जस्ट कुछ देर पहले, मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर कौन होता है, वो मेन मालिक होता है, ऑर्डिनरी मालिक होता है, ऑर्डिनरी शेयर इसे ही बोलते हैं इक्विटी, जो प्रिफरेंस नहीं है, जिनको डिविडेंड का प्रेफरेंस नहीं मिलता, इनको कैपिटल वापस का प्रेफरेंस नहीं मिलता, इनकी रिस्क अनलिमिटेड होती है एंड रिवार्ड भी अनलिमिटेड होता है, प्रेफरेंस वालों का रिवार्ड भी फिक्स्ड होता है, क्योंकि इसे फिक्स्ड रेट से ही
मैक्सिमम डिविडेंड, मैक्सिमम मुनाफा इनका पहले से तय होता है, प्रिफरेंस का, इक्विटी का नहीं होता, इसलिए ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कहे जाते हैं, ऑर्डिनरी शेयर कहे जाते हैं, मेन मालिक, मेन ओनर। नेक्स्ट, एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस नाम से क्लियर है, नॉर्मल मीनिंग है ईच द डिफरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम रिपोर्टिंग द सेम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ फॉरेन करेंसी, विदेश की करेंसी, विदेश की रुपया समझ लो, विदेश का रुपया, जहाँ उनका नाम, जैसे हम रुपया बोलते हैं, अमेरिका अमेरिकन डॉलर बोलते हैं, ब्रिटेन पाउंड बोलते हैं, वहाँ रुपया नहीं बोलते, पाउंड बोलते हैं, तो करेंसी, हमारी करेंसी रुपया, ब्रिटेन की करेंसी पाउंड, अमेरिका की करेंसी डॉलर, फॉरेन करेंसी। इन द रिपोर्टिंग करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी यहाँ पे हम जब रिपोर्टिंग करेंसी की बात कर रहे हैं, मीन्स हमारी करेंसी, यहाँ रिपोर्टिंग करेंसी का मतलब हमारी करेंसी, इंडियन करेंसी, एट अ डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स। आप जानते हैं कि डॉलर, पाउंड्स, इन सब के हमेशा न्यूज आते हैं, आज डॉलर 75.5 रुपीज तक पहुंच गया, मीन्स 75.5 रुपीज जब हम देंगे तो मुझे 1 डॉलर मिलेगा, समझ रहे हैं? लेकिन कल, नेक्स्ट डे, वो रेट चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं? वो रेट चेंज हो जाएगा, कल या तो 75 हो जाएगा या 76 के आसपास आएगा, या हो सकता है रेट चेंज ना भी हो, लेकिन इन जनरल रेट चेंज होता ही होता है, फ्लक्चुएशन होता ही होता है। तो मेरे 2 डे पे रेट चेंज हो जाएंगे, है ना? तो इसी रेट चेंज के कारण जो डिफरेंस हमें आएगा रुपए में, तो हमें डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि हम अकाउंटिंग किस में करते हैं, डॉलर में कभी करते हैं नहीं, जब आप फॉरेन लेन देन करते हैं, मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जब आप इंडिया से सामान बाहर भेजते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, जब आप बाहर से, विदेशों से सामान, दूसरी कंट्री का सामान, दूसरे कंट्री से सामान इंडिया लेकर आते हैं तो आप उसे इंपोर्ट कहते हैं। दोनों ही केस में फॉरेन करेंसी बीच में आती है, क्यों? क्योंकि अमेरिकन आपसे रुपया नहीं लेंगे, वो कहेंगे मुझे डॉलर चाहिए, जब आप उससे सामान खरीदते हैं, मीन्स आप उससे इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह जब आप ब्रिटेन को सामान बेचते हैं, ब्रिटेन को आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो ब्रिटेन के लोग कहेंगे मेरे पास तो रुपया है नहीं, मैं आपको पाउंड दे सकता हूँ, आप पाउंड ले लो। फिर आप क्या करेंगे, वो पाउंड लेकर आप एक्सचेंज में जाएंगे, वहाँ आप पाउंड देकर रुपया लेंगे, है ना? लेकिन यहाँ आपको पाउंड मिला, वहां आपने डॉलर दिया, दोनों के लिए यूज तो आपको रुपया ही हुआ ना, और आप अकाउंटिंग हमेशा रुपये में ही करते हैं, डॉलर या पाउंड या किसी भी फॉरेन करेंसी में नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना? तो इनका जो डिफरेंस होगा आपको, वो एक्सचेंज डिफरेंस कहा जाता है। एक्सपेंडिचर बस नॉर्मल मीनिंग है, इनकरिंग ऑन लाइबिलिटी, डिसबर्समेंट, रिलीज ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। खर्च करा आपने, खर्च किसी भी चीज के लिए हो सकता है ना? अब
एसेट्स खरीदने के लिए भी खर्च करते हैं, है ना। एसेट्स मीन्स फिक्स एसेट्स के टर्म में यहाँ लिया जाता है, और गुड्स मीन्स जो आप ऑर्डिनरी कोर्स में बेचते हैं उस टर्म में लिया जाता है। सर्विसेज भी ऑर्डिनरी कोर्स को ऑपरेट करने के लिए जो आप सर्विस लेते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए सर्विस लेते हैं, जैसे आप अकाउंटिंग की सर्विस देते हैं तो उस बिजनेसमैन के लिए ये सर्विस हुआ, आप जो सर्विस देते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंस कॉस्ट रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड मीन्स 1 ईयर के लिए जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो वो, और टू द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड मीन्स मैचिंग कंसेप्ट पूरा करना है, जितने दिन के आप रेवेन्यू लोड है उतने दिन का आप एक्सपेंस लोड है, और द बेनिफिट्स ऑफ विच टू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द पीरियड। तो दोस्तों अभी आपको कंफ्यूजन हो जाने लगेगा, ये एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस दोनों फिर वर्ड अलग बनाई क्यों? दोस्तों एक्सपेंस हमेशा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मीन्स आपका जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस हैं उससे रिलेटेड खर्चे का जो कॉस्ट आपको आता है वो एक्सपेंस कहा जाता है। लेकिन जब आप एक्सपेंडिचर कहते हैं तो इसमें एसेट्स भी आते हैं और गुड्स। फिक्स एसेट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स जिसे आप जनरली बेचते नहीं हैं, खरीदते नहीं हैं, जनरली खरीद बिक्री नहीं करते हैं, और गुड्स जो आप हमेशा खरीद बिक्री के लिए ही, इन जनरल खरीद बिक्री के लिए ही खरीदते हैं या बेचते हैं। लेकिन जब एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो आप बेचने, जनरली बेचने के लिए ही खरीदते हैं, है ना। तो यहाँ दोनों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ जनरली खरीदने बेचने के लिए ही बात किया जाएगा, यहाँ फिक्स एसेट्स की बात नहीं होती। तो ये दोनों माइनर सा डिफरेंस है, आप समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट एक्सपायर्ड कॉस्ट द पोर्शन ऑफ एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फर्दर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड और इट ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सपेंस। एक्सपायर्ड कॉस्ट कुछ भी ऐसा आपने रिसर्च करा जो एक्स रिसर्च फेल हो गया, है ना, आपको कोई फ्यूचर में कोई बेनिफिट उससे नहीं होने वाला, तो आप क्या करते हैं पी एल अकाउंट में डेबिट कर उसे खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जैसा नाम से क्लियर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है ना। एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंस, या तो इनकम हो सकता है या एक्सपेंस हो सकता है, दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस। जो अराइज होगा या तो कोई इवेंट होगा या कोई ट्रांजेक्शन होंगे, है ना, दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड देयरफॉर आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली, इसीलिए तो इसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहते हैं। जैसे आग लग गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, वहाँ फायर आग लग गया, तो उस आग लगना क्या आपके लिए फ्रिक्वेंट है, रेगुलर है, नहीं है। क्या वो आपके ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, आग लगते रहे हैं आपके यहाँ, नहीं। तो उससे जो लॉस होते हैं, हैवी आग, मैं हैवी फायर की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या करते हैं एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉसेज हिट क्रिएट करते हैं और वहाँ उस अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं उस हेड में। इस
फायर से रिलेटेड लॉसेज, इसके लिए भी एक सेपरेट एएस है, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप वो वीडियो जरूर देखेंगे। नेक्स्ट फेयर वैल्यू, सिंपल मीनिंग फेयर वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज और अ लायबिलिटी सेटल्ड बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज इन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन दोस्तों, इसका मतलब होता है, आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन का मतलब होता है ट्रू एंड फेयर, मीन्स कोई बेईमानी नहीं, कोई शैतानी नहीं, जो होना चाहिए, जो नॉर्मली चलता है, जिस रेट पे सामान खरीद बिक्री होती है, आप उसी रेट पे खरीद बिक्री कर रहे हैं, है ना। आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन इसे कहते हैं, जो नॉर्मली है, कोई बेईमानी नहीं, कोई शैतानी नहीं, एकदम ट्रू एंड फेयर वैल्यू, इसलिए इसे फेयर वैल्यू नाम ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फेयर मार्केट वैल्यू। अब फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है? फेयर वैल्यू है वो मार्केट में भी फेयर, यही वैल्यू है ना, नॉर्मल मीनिंग। चलिए देखते हैं, द प्राइस दैट वुड बी एग्रीड टू इन एन ओपन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मार्केट बिटवीन नॉलेजेबल एंड विलिंग पार्टीज डीलिंग एट arms length who are fully informed and are not under any compulsion to transact। आप किसी पार्टी पे कोई बाउंडेशन नहीं डाल रहे हैं, आप जिस गुड्स का रेट जो बता रहे हैं उसी रेट पे उस पार्टी को कहीं और भी मार्केट में उसी रेट पर मिलेगा, वही फेयर मार्केट वैल्यू है। मार्केट में जो वैल्यू चल रही है, जो रेट चल रहा है, आप भी वही रेट दे रहे हैं, उसे ही फेयर मार्केट वैल्यू कहा जाएगा। सिंपल मीनिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फर्स्ट चार्ज दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, चार्ज क्रिएट करते हैं लोन के रिगार्डिंग, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा आप जरूर जाके पार्ट वन वीडियो देखें इनका। अ चार्ज हैविंग प्रायोरिटी ओवर अदर चार्जेज, मीन्स नाम पर से ही क्लियर कर रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहा है किसी अदर चार्ज से पहले, है ना। नेक्स्ट फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नाम से क्लियर है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ आइटम सोल्ड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ पीरियड एज थ्रू दे वेयर सोल्ड और कंज्यूम्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एक्विजिशन, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, मतलब जो गुड्स आपने पहले परचेज किया था, जब आप सेल कर रहे होंगे तो पहले उसी गुड्स को आप सेल करेंगे, जनरली यही होता है, लेकिन कुछ केस में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जनरली जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सीमेंट्स, टाइल्स, प्लाईवुड्स, वुड्स, हैवी वुड्स, इन सब इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो गुड्स पहले आए वो नीचे दब जाता है। अब कोई कस्टमर आता है उनके पास, तो वो नीचे से पहले, जो पहले आए वो नीचे हैं, जो बाद में हमारे पास आए वो ऊपर हैं, तो वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि जो बाद में आया सबको पहले हटाएंगे, फिर नीचे से निकालेंगे, उसे देंगे, फिर बाद वाले को फिर उस पर रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, लीफो मेथड फॉलो करते हैं, LIFO, यहाँ फीफो है, यहाँ पहले एफ की जगह
एल होगा, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले बिकते हैं, लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसे पहले हम बेच दिया। इसकी अकाउंटिंग में आप इसका यूज क्या है, रेट, ये रेट याद आ रही है, चलिए जब हम प्रैक्टिकल करेंगे वो देखेंगे। दोस्तों फिक्स्ड एसेट्स, एसेट हेल्ड विद इंटेंशन ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज एंड इज नॉट हेल्ड फॉर सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अभी मैंने डिस्कस किया था ना, हेल्ड क्यों हेल्ड कर रखा है, अपने अपने पास रखा ही क्यों है ये एसेट्स, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए नहीं, वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है। और ये यूज क्या है फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, जब आप बेचेंगे ही नहीं तो रखा क्यों है। प्रोड्यूसिंग गुड्स मीन्स आप प्रोडक्शन में यूज करेंगे, अगर आप कुछ प्रोड्यूस नहीं करते ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड के लिए यूज करेंगे, जैसे शॉप, गोडाउन, है ना, या फिर आप सर्विस देते हैं, जैसे आपका अकाउंटिंग का सर्विस, है ना, जब आप अकाउंटिंग सर्विस देते हैं, आप रेंट देते हैं, आपने बिल्डिंग ले रखा है, अपने ऑफिस बनाया है, तो वो तो आपका फिक्स्ड एसेट्स है ना, समझिए। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच बाय इट्स वेरी नेचर रिमेन relatively unaffected in a defined period of a time by variation in the volume of production. Production क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, कोई लेना देना नहीं, fixed cost लगेगा ही लगेगा। एग्जाम्पल, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो या नहीं हो रेंट आपको लगेगा, इसी तरह आपके शॉप का रेंट, आपके ऑफिस का रेंट, समझ गए। नेक्स्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट, आप सभी जानते होंगे बैंक में जो आप फिक्स्ड डिपॉजिट मींस शॉर्ट फॉर्म FD बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म FD, यही फिक्स्ड डिपॉजिट है। डिपॉजिट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड एट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप बैंक में जाते हैं, पीरियड फिक्स होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स्ड होता है, 5 ईयर 8%, है ना, 5 ईयर 8%, ये FD नॉर्मल जो आप जानते हैं वही है। फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्ज, ये लोन से रिलेटेड बातें ही होंगी, जहां भी आप चार्ज देखें, चार्ज नहीं, यहां ED लगा रहेगा वो उसका मतलब कुछ और हो जाता है, वो नहीं, चार्ज है ना, ये लोन से रिलेटेड आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, लोन से रिलेटेड बातें कर रहा है। अ चार्ज विच अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर असेट्स विच इज आइडेंटिफाइड व्हेन द चार्ज इज क्रिएटेड एंड द आइडेंटिटी ऑफ द एसेट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ चार्ज। दोस्तों चार्ज दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज, जैसा कि नेक्स्ट फ्लोटिंग चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज कहते किसे हैं, एक चार्ज है, चार्ज का मतलब आप जानते हैं,
गारंटी के सेंस में आप देखें, अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर सेट्स, ये गारंटी क्या होगी, फिक्स्ड है क्या है आपका कोई असेट्स। जैसे आप कार लोन लेते हैं तो वहाँ पे जो चार्ज है उस लोन के अगेंस्ट तो वो क्या है, वो कार है, वो फिक्स्ड है ना। वो प्राइमरी चार्ज भी है एंड सेकेंडरी चार्ज आपका पर्सनल गारंटी वो अलग है। तो वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वो एक अलग एस्पेक्ट है, यहाँ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग की बात हो रही है। तो मीन्स उस कार लोन के अगेंस्ट फिक्स्ड चार्ज है आपकी कार, क्योंकि वो कार आइडेंटिफाइड है। वे चार्ज इज क्रिएटेड, जब चार्ज क्रिएट हो रही थी उस समय उस एसेट्स को आपने आइडेंटिफाई कर दिया था, एग्रीमेंट में आइडेंटिफाइड है। इसी तरह होम लोन में होते, इसी तरह अदर्स लोन में भी होते हैं। मैं तो जस्ट एग्जांपल के लिए आपके पास होम लोन एंड कार लोन का एग्जांपल, एंड द आइडेंटिटी ऑफ द एसेट डज नॉट चेंज। आप देखते हैं कि जब तक आप लोन ले रखे होते हैं आप उसे बेच नहीं सकते, जब तक आप लोन क्लियर नहीं करेंगे या कुछ एग्रीमेंट उसके रिगार्डिंग नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट, फ्लोटिंग चार्ज, अ जनरल चार्ज ऑन सम और ऑल एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज विच आर नॉट अटैच्ड टू स्पेसिफिक एसेट्स एंड आर गिवन अ सिक्योरिटी अगेंस्ट अ डेट। जैसे आप पर्सनल लोन लेते हैं या बिजनेस में भी कई तरह के ऐसे बिजनेस लोन होते हैं जिस पे ये तय नहीं होता कि ये लोन कार के अगेंस्ट है, बिल्डिंग के अगेंस्ट है, स्टॉक के अगेंस्ट है ना। तो जब आप उस लोन को डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक आपके किसी भी असेट्स को बेचकर रिकवर कर लेंगे, लेकिन फिक्स्ड चार्ज में ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ उस एसेट्स को ही बेच सकते हैं क्योंकि एग्रीमेंट में ऐसा लिखा जाता है ना। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी बातें होती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारा अकाउंटिंग एस्पेक्ट यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइनेंस को इधर से उधर करने का होता है, आप समझ गए होंगे उत्तर भारत में इधर से उधर का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, हेरा फेरी। अब तो सभी जान गए होंगे हेरा फेरी मीन्स फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, पैसे का लेन देन किसी भी डॉक्यूमेंट से हो रहा हो उसे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, सिंपल नॉर्मल मीनिंग। आइए देखते हैं, अ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसी न किसी पेपर पे ही होता है ना, जनरली कोई सबूत देते हैं ना, ट्रेल होती है ना, दैट गिव्स राइट्स टू बोथ ऑफ फिनेंशियल एसेट्स ऑफ वन इंटरप्राइज एंड अ फिनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर इंटरप्राइज। अब देख लीजिए दोस्तों नॉर्मल मीनिंग क्या था और यहाँ हमारा टेक्निकल मीनिंग क्या है, हमारा रिलेवेंस क्या है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। हम फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तभी उसे कहेंगे जब वो एक एग्रीमेंट हो, जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो एंड इससे एक फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो रही है एक इंटरप्राइज के लिए। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एटलीस्ट टू पार्टीज तो होंगी उसमें, है ना। एक पार्टी के लिए वो एसेट क्रिएट हो रही है, कौन सी एसेट, फाइनेंशियल एसेट, एंड दूसरी पार्टी के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या
अगर आप ओनर हैं तो आपके लिए कैपिटल क्रिएट हो रही है। इसी तरह जब कंपनी है तो कैपिटल की जगह इक्विटी है ना, इक्विटी शेयर क्रिएट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एग्जाम्पल डिबेंचर्स, कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, तो डिबेंचर क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप मुझे अभी 100 रुपये का डिबेंचर मेरे से लो, एक कंपनी है वो इशू करती है, कहती है एग्रीमेंट में लिखती है, उस डिबेंचर पे लिखती है आप मुझसे ये एग्रीमेंट पेपर लो, इस पे मैं ये लिख कर देता हूँ कि आप आज मुझे 100 रुपये देंगे, 100 रुपीज आज देंगे, तो मैं ईयर एंड पर ईयर एंड से आपको 10% इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दिया करूँगी, एंड 5 वर्षों के बाद 100 रुपये भी वापस कर दूंगी, मूलधन भी वापस कर दूंगी, है ना। तो एक इंटरप्राइज, आप अगर वो डिवेंचर बाय करते हैं, उस एग्रीमेंट को फुलफिल करते हैं, मीन्स उस एग्रीमेंट में इंटर करते हैं, मीन्स आप उस डिवेंचर को बाय करते हैं, तो वो आपके लिए एसेट बन गया। क्यों? क्योंकि आपको 5 साल बाद 100 रुपये मिलेंगे उससे, एंड पर ईयर भी इंटरेस्ट का अमाउंट मिलता रहेगा। एंड दूसरी पार्टी कौन थी, कंपनी, उसके लिए वो लायबिलिटी बन गई ना, 5 साल बाद उन्हें पैसे 100 रुपये वापस करने पड़ेंगे, एंड इंटरेस्ट भी पड़ी है देना होगा। सेकंड एग्जांपल, कंपनी इशू करती है शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर की जगह आप शेयर ले लें 100 रुपये का, उसमें भी आप एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, आपके लिए एसेट हो गया, लेकिन उसमें और डिबेंचर में ये अंतर होता है कि इक्विटी शेयर जेनरली जेनरली आपको पैसे 5 साल या 10 साल में वापस नहीं करती, वो आप उसके परमानेंट मालिक बन जाते हैं, परमानेंट ओनर बन जाते हैं। जब आप उन्हें बेचने हैं तो आप वो शेयर बेच देंगे, कोई दूसरा उस शेयर को खरीद लेगा, है ना। तभी तो आपने सुना होगा कंपनी की कभी मौत नहीं होती इन जनरल, है ना, मेंबर के मौत से कंपनी की मौत नहीं होती, है ना, ये हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि मेंबर में कम्स बट द कंपनी गोज आउट फॉर एवर, मीन्स कंपनी हमेशा चलती रहेगी, मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे, मीन्स इक्विटी शेयर खरीदने वाले इक्विटी शेयर होल्डर आएंगे जाएंगे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। तो दोस्तों ये रहा आपका फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी दोस्तों, इसमें मैं बता रहा था, तो जब आप डिवेंचर के केस में यहाँ लायबिलिटी क्रिएट होगी, लेकिन शेयर के केस में यहाँ इक्विटी शेयर क्रिएट होगी कंपनी के लिए, लेकिन आपके लिए तो दोनों ही टाइम पे फाइनेंशियल एसेट्स है ना। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं, सैकड़ों नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग लॉज में। मैं सबके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, अकाउंटिंग के लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एंड इसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉरेन करेंसी, नाम से क्लियर है, फॉरेन है मीन्स हमारे देश का नहीं है, कोई विदेशी है, उस देश की करेंसी मीन्स उस देश का रुपया, बस। अब देखिए टेक्निकल नाम क्या है, टेक्निकल इनका डेफिनेशन क्या है, फॉरेन करेंसी इज अ करेंसी अदर देन द रिपोर्टिंग करेंसी ऑफ एंटरप्राइज, मीन्स रिपोर्टिंग करेंसी कभी भी आप सुने तो आप समझे कि हमारे देश की बात कर रहा है, हमारी, ये
रिपोर्टिंग मीन्स इंडियन करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी मीन्स इंडियन करेंसी, आप गांठ बांध ले दिमाग में, एकदम फिक्स कर ले। अदर देन रिपोर्टिंग मीन्स अदर देन इंडियन करेंसी मीन्स फॉरेन करेंसी होगी। नेक्स्ट, फॉरफीटेड शेयर, फॉरफीटेड शेयर, अब ये क्या, फॉरफिट मीन्स जब्त करना, अ शेयर टू विच टाइटल इज लॉस्ट बाय अ मेंबर, एक मेंबर उस पर टाइटल था, अधिकार था, वो लॉस्ट कर गया, तो अधिकार किसके पास चला गया, कंपनी के पास। और नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कॉल मनी क्या होता है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, आप वहां पे जरूर देखिए इस वीडियो को, इस टर्म को अच्छे से समझें। कॉल मनी जो एप्लीकेशन मनी के बाद, अलॉटमेंट के बाद कंपनियां अपने मेंबर से, शेयर होल्डर से कॉल करती है, डिमांड करती है, और डिफॉल्ट इन फुलफिलिंग एनी एंगेजमेंट बिटवीन मेंबर और एक्सपल्सन ऑफ मेंबर्स वेयर द आर्टिकल्स स्पेसिफिकली प्रोवाइड देयर फॉर। अब दोस्तों यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है आर्टिकल, ये आर्टिकल का मतलब आप जो नॉर्मल आर्टिकल समझ रहे ये नहीं है, ये आर्टिकल कंपनी के लिए रूल बुक होती है, इनका इंटरनल रूल बुक होता है, इनका इंटरनल सब कानून होते हैं उसमें लिखे हुए हैं, उसमें प्रोसीजर लिखे होते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, है ना, ये सारी बातें आर्टिकल में लिखी होती हैं, इसी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं आर्टिकल्स, लेकिन इसका एक्चुअल नेम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा डिटेल में। तो आप समझ लो फॉरफिट जब्त कर लेते हैं, क्यों जब्त करते हैं, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं किया या फिर कॉल मनी नहीं किया, किसने, शेयर होल्डर ने, मेंबर ने, मेंबर किसे बोलते हैं, कंपनी का जो शेयर होल्ड कर रहा है उसी को इन जनरल मेंबर कहते हैं। फ्री रिजर्व, दोस्तों फ्री रिजर्व, और रिजर्व द यूटिलाइजेशन ऑफ विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन एनी मैनर, नाम से क्लियर है आपका, फ्री रिजर्व, ऐसा रिजर्व जो फ्री है, किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, कंपनी के किसी भी लीगल पर्पस के लिए यूज हो सकता है। नेक्स्ट, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एंड द करेस्पॉन्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू ईच फंक्शन और एक्टिविटी रेदर देन बाय रेफरेंस टू देयर नेचर, समझिए दोस्तों, फंक्शन के आधार पर क्लासिफिकेशन, अब वो किसका होगा, या तो एक्सपेंस का होगा, रेवेन्यू का होगा, या फिर एसेट का होगा, लायबिलिटी का होगा, हमारे यहां तो बस हमारे अकाउंटिंग में मेन चार पार्ट ही होते हैं, चार चीजों के लिए ही, फोर थिंग्स मूव्स रन ऑल अकाउंटिंग, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, नथिंग एल्स। नेक्स्ट, फंड, अन अकाउंट यूजुअली ऑफ द नेचर ऑफ अ रिजर्व और अ प्रोविजन विच इज रिप्रेजेंटेटिव बाय स्पेसिफिकली अर्मार्क्ड एसेट्स, एंड ऑन अकाउंट यूजुअली ऑफ द नेचर ऑफ ए रिजर्व, ये क्या है,
रिजर्व की तरह कुछ प्रोविजन करके रखते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिकली और मार्क्ड एसेट्स, मीन्स हम कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए, किसी स्पेसिफिक एसेट्स के लिए एक रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसे फंड करते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। दोस्तों फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आप इस नाम से जरूर वाकिफ होंगे, नहीं तो जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके लिए फंडामेंटली आपकी आपको क्या है जंक्शन लेके चलना चाहिए, है ना। अकाउंटिंग करने के लिए आपको क्या फंडामेंटली बेसिकली ये जंक्शन माइंड में रखना चाहिए कि ऐसा तो है ही, डेफिनेटली है, जब तक कि कुछ कॉन्ट्ररी स्पेसिफिकली नहीं बताया जाए, है ना। तो आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी यही समझ बना कर रखते हैं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन ये होता है, मीन्स जिसने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया उसे ये पता है। ये क्या है? बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन विच अंडरलाय द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीन्स बैलेंस शीट का प्रिपरेशन एंड अदर डिस्क्लोजर के साथ प्रेजेंट करके क्या बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लोज, इन सब को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। जब ये सारे एक साथ मिलाएंगे उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। दे आर क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है क्या? फर्स्ट, गोइंग कंसर्न। सेकेंड, कंसिस्टेंसी। एंड थर्ड, एक्रूअल। रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट गोइंग कंसर्न, सेकेंड कंसिस्टेंसी, थर्ड एक्रूअल। यूजुअली दे आर नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज आर एज्यूम्ड, मीन्स जो भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं या यूज करते हैं उन्हें ये दिमाग में पहले से सोच बनी होती है कि ये तो सब एक्सेप्ट करते हैं इन चीज़ों को, है ना। डिस्क्लोजर इज नेसेसरी इफ देयर आर नॉट फॉलोड। और क्लियर हुआ मैटर कि सभी ये जानते हैं, सभी ये समझते हैं और सभी ये मानते हैं कि ये तीन नियम हैं, ये तीन एजम्पशंस हैं। इन तीनों एजम्पशंस को हर कोई फॉलो करता है। अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो वो इसको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करेंगे, कहाँ? नोट्स टू अकाउंट्स, फिनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर। अब इन तीनों का मतलब समझते हैं। फर्स्ट सेकंड बाद में आते हैं, पहले आपको एक्रुअल बताते हैं। एक्रुअल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप वो वीडियो नहीं देखें जरूर देखें, पार्ट वन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का पार्ट वन वीडियो आप जरूर देखें, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अकाउंट सेक्शन, अकाउंट्स अकाउंटिंग नाम से जो प्लेलिस्ट बना है वहाँ आपको मिल जाएगा, लास्ट वीडियो आप पार्ट वन जरूर देखें। एक्रूअल, एक्रूअल मीन्स कैश का अपोजिट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, याद आ रही है? बस ये वही है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये एजम्पशन ये कहता है कि आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, मीन्स
कैश का लेन देन उस ट्रांजेक्शन में हो या ना हो, जैसे ही जिस डेट को जिस पीरियड में वो ट्रांजेक्शन या इवेंट होता है, आप उसे उसी पीरियड में उसी डेट को रिकॉर्ड करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर मूवमेंट ऑफ कैश डन और नॉट। मीन्स आप ये ध्यान में ही नहीं रखेंगे कि कैश आया या गया उस ट्रांजेक्शन या इवेंट से संबंधित एक्रू हुआ, आप रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजेक्शन इवेंट्स हैपन हुए रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल, आपने उधार में सामान खरीदा या बेचा, पैसे नहीं मिले, पैसे आए नहीं, पैसे गए नहीं, आपने दिए नहीं, लेकिन आप उस पीरियड में रिकॉर्डिंग करते हैं, वो इसीलिए करते हैं, एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एग्जम्पशन को फॉलो करने के लिए। सेकेंड, गोइंग कंसर्न, इसका मतलब ये होता है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन मीन्स आप ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू अनलिमिटेड इनडेफिनिट टाइम तक चलता रहेगा, बिजनेस ये एंटरप्राइज अनलिमिटेड इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए है, भले 2 साल 1 साल कुछ दिनों बाद वो बंद हो जाए, आप नहीं जान रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब हम ये मान कर चलते हैं कि ये बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ये इंटरप्राइज हमेशा जिंदा रहेगी, है ना, तो इसलिए इसका नाम है गोइंग, चलते रहो कंसर्न, कंसर्न है हमारा एजम्पशन। थर्ड, कंसिस्टेंसी, जैसा नाम से क्लियर है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी तो किसका कंसिस्टेंसी, आप बोलेंगे ना कंसिस्टेंसी किसका, अकाउंटिंग पॉलिसीज का, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, आपने प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है, इस अकाउंटिंग पीरियड में जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए अभी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, इस अकाउंटिंग पीरियड में सेम एज इट इज वही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है जो अकाउंटिंग पॉलिसी पिछले सालों से होता आ रहा है, और इस ईयर में कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हुआ है। दोस्तों मेन पॉइंट, इस ईयर में कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो आप स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करो कि इस ईयर में ये अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो नहीं हुआ, इसकी जगह ये नई अकाउंटिंग पॉलिसी लाई गई, फॉलो की गई। तो दोस्तों आपने समझ लिया, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, फर्स्ट गोइंग कंसर्न एजम्पशन, सेकंड कंसिस्टेंसी, थर्ड अक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट, गेन, अ मॉनेटरी बेनिफिट प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन और ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन, नॉर्मल मीनिंग है, गेन हो रहा है, किस चीज का गेन, वेट गेन, सोसाइटी रिस्पेक्ट गेन, नो, हम क्या कर रहे हैं यहाँ, अकाउंटिंग,
तो किस बारे में बात करेंगे? फाइनेंस के बारे में, क्योंकि अकाउंटिंग तो सिर्फ मॉनेटरी टर्म में ही होता है ना? तो गेन, मॉनेटरी बेनिफिट, नॉन मॉनेटरी की बात हम यहाँ नहीं कर सकते। प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन, इसे हम यहाँ गेन कहते हैं। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व, ये कंपनी के केस में आप लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जनरल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व विच इज नॉट अर्मार्क फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, जनरल बिजनेस के किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। गोइंग कंसर्न एजम्पशन, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा ये मानकर आप अकाउंटिंग करते हैं। आइए देखते हैं, अन अकाउंटिंग एजम्पशन अकॉर्डिंग टू विच एन एंटरप्राइज इज व्यूड एज कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशन फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर्स, इट इज एज्यूम्ड दैट एंटरप्राइज हैज नीदर द इंटेंशन नॉर नेसेसरी ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन बंद होना, समाप्त करना, इन द एंड होना, और कर्टेलिंग मटेरियलिटी द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन, या तो 100% बिजनेस बंद हो जाएगा या मेजर पोर्शन लार्ज स्केल के ऑपरेशन बंद हो जाएगा। इसका मतलब भी तो वही हुआ ना, गोइंग कंसर्न, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स कहती है मैं टाटा मोटर्स कंपनी बंद नहीं करूंगा लेकिन मैं सारा का सारा प्रोडक्शन बंद कर दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, गोइंग कंसर्न खत्म है इनका। जब प्रोडक्शन ही नहीं करोगे तो करोगे क्या, नाम की कंपनी बनाकर रखो, कोई फायदा तो है नहीं, कुछ होने तो है नहीं। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन में या तो कंपनी 100% बंद कर दिया जाएगा, उसे लिक्विडेशन कहा जाता है, या फिर मेजर पोर्शन ऑफ ऑपरेशन खत्म कर दिया जाता है। तो हम मान के चलते हैं गोइंग कंसर्न खत्म हो गया, लेकिन ऐसा जब नहीं होगा तो उसे हम कहते हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन फॉलो हो रहा। नेक्स्ट, गुडविल, गुडविल नाम से क्लियर है, आप जानते हैं साख, आपकी मार्केट वैल्यू, नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में, नॉर्मल पर्सनल लाइफ में भी आप देखते हैं गुडविल, कहते हैं ना अरे तुम्हारी क्या वैल्यू है ना, तुम्हारी क्या गुडविल है। बिजनेस में भी सेम सेंस, बिजनेस की क्या हैसियत है। एंड इंटेंजिबल एसेट्स arising from business connections or trade name or reputation of an enterprise, Tata, Tata का trade name के कारण, reputation के कारण, and obviously business connection है, तो Tata नाम यूज कर सकते हैं क्या आप? नहीं, Tata अगर आपको नाम यूज करने दे तो क्या आप उसे पैसे नहीं दोगे? बिल्कुल लोग, इसका मतलब उसकी हैसियत है ना, बस इसे ही गुडविल कहा जाता है। नेक्स्ट, क्रॉस मार्जिन और क्रॉस प्रॉफिट, ये तो आप हमेशा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वर्ड यूज करते ही करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ग्रॉस मार्जिन, कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप करते हैं कॉस्टिंग में ग्रॉस मार्जिन एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ग्रॉस प्रॉफिट आप नाम देते हैं। द एक्सेस ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ओवर देयर कॉस्ट, द एक्सेस ऑफ प्रोसीड ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ओवर देयर कॉस्ट, कॉस्ट से ज्यादा, बिफोर टेकिंग इंटू अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिनेंशियल एक्सपेंसेस व्हेन द रिजल्ट ऑफ दिस कंपटीशन इज नेगेटिव, इट इज रेफर्ड टू एज ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट जस्ट अपोजिट ग्रॉस लॉस। जब आप
सेल कॉस्ट से ज़्यादा काम करते हैं तो आप प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन इस प्रॉफिट में कुछ अंतर है नॉर्मल जो आप प्रॉफिट कहते हैं उससे। क्यों? जब नॉर्मल आप प्रॉफिट सोचते हैं दिमाग में, इसका मतलब होता है ऑल कॉस्ट, लेकिन हम यहाँ जो कॉस्ट लेस करते हैं उसमें कुछ कॉस्ट नहीं लेस करते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट। इन चारों कॉस्ट को छोड़कर जो नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट हैं वो जब सेल अमाउंट से आप लेस करते हैं तो उसे आप ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, अगर वो कॉस्ट से कम है तो ग्रॉस लॉस। नेक्स्ट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सिमिलर बॉडीज, देयर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। अब गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स ही नहीं, उनकी बॉडीज, उनकी एजेंसीज जैसे सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीडीटी, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये सब गवर्नमेंट माना जाता है। आप सबको गवर्नमेंट ही मानेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि आप तो गवर्नमेंट की एजेंसी हो, आप तो गवर्नमेंट की बॉडी हो। नहीं, आप उन्हें भी गवर्नमेंट ही मानेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ग्रांट्स जानते हैं दान, जब सरकार दान देती है तो उसे ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट कहा जाता है। गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन कैश और काइंड, कैश, कैश काइंड मीन्स कैश में नहीं दे रहा हूँ, सामान दे रहा हूँ, टू एन इंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस, दे आर एक्सक्लूड दोज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस विच कैन नॉट रीजनेबली दैट ऑफ वैल्यू पैक्ड अपॉन देम एंड ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस ऑफ द एंटरप्राइज। ग्रॉस बुक वैल्यू, ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड रिवैल्यूड वैल्यू फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। When this amount is so net of accumulated depreciation, it is termed as net value, net book value. अब आप समझ गए? Gross book value, gross, gross book value and net book value में डिफरेंस क्या है? जब आप accumulated depreciation, अगर उस एसेट्स की कॉस्ट या रिवैल्यूड वैल्यू जो भी आपने लिया या रिप्लेसमेंट वैल्यू जो भी आपने लिया है उससे डेप्रिसिएशन अगर लेस कर बुक्स में दिखाया तो वो नेट बुक वैल्यू कहा जाएगा। अगर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज द केस में भी लेस नहीं है, लेस नहीं करके दिखाया गया है तो वो ग्रॉस बुक वैल्यू, ग्रॉस बुक वैल्यू से ही ये डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद नेट बुक वैल्यू आता है। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, नाम से
क्लियर है, इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप बनाते हैं, सेम टू सेम है, कुछ बेसिक अंतर, सिचुएशनल अंतर। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफन प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइज। अभी तक जितना भी आप अकाउंटिंग देखे हैं या दिमाग में आपके हैं, वो प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइज, जितना भी बिजनेस होता है, पार्टनरशिप, प्रोपराइटर, कंपनीज, सब प्रॉफिट मेकिंग होते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम करते हैं। तो वहाँ पे आप क्या बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग है तो ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेक्स्ट बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, ये सब एडिशनल होता है नोट्स टू अकाउंट। लेकिन यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जगह, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग तो है नहीं ना, प्रॉफिट के लिए तो है नहीं, तो यहाँ इनकमिंग आउटगोइंग तो इन्हें भी होती है, इन्हें भी कहीं से ग्रांट मिलते हैं, जो अभी हमने गवर्नमेंट ग्रांट था, या लोगों से चंदा मिलता है ना, कहीं ना कहीं से इनकमिंग होती है इनकम, और उस पैसे का खर्च होता है एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, जितने ट्रस्ट होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, अदर सामाजिक संस्थान जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, सोशल कॉज के लिए काम करते हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जगह। ठीक है, एग्जाम्पल लाइक क्लब, एसोसिएशन एक्सेट्रा टू प्रेजेंट देयर रेवेन्यू एंड एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड एंड टू शो द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, और वाइस वर्सा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू फॉर द पीरियड। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज एंड इज टू ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट। समझे तो? नेक्स्ट, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया था आपको, एसेट्स विच डज नॉट हैव अ फिजिकल आइडेंटिटी, एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या, आपने पढ़ा ना, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये इसी की बात कर रहे हैं। इन्वेंट्री क्या, एसेट्स हैं, संपत्ति तो है ना, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सेल नॉर्मली इनका काम है सेल करना, इन एसेट का, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, या तो आप उसे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सेल कर रहे हैं, या फिर प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज करते हैं, या और इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो दोस्तों, आज वीडियो बहुत लंबा खिंच गया है, तो आज हम यहीं एंड करते हैं वीडियो को। तो पूरी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की तीन वीडियो बन गई, पार्ट वन, पार्ट टू आज की हो गई, पार्ट वन कल की थी, पार्ट थ्री में कल बनाऊंगा पार्ट थ्री वीडियो। तो रिमेनिंग जो बच्चे हैं, मैं कल कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसे लेने की। मैं जानबूझकर स्लोली, वेरी स्लोली
एंड विद वेरियस एग्जाम्पल्स एंड वेरियस स्टाइल फॉलो कर रहा हूँ, जिससे कि आप चीज़ों को आसानी से इजीली एंड लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर पाएँ एंड एग्जैक्ट मीनिंग समझ पाएँ, उनकी पूरी एप्लीकेशन समझ पाएँ और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसलिए मैं किसी टर्म के डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन में भी अगर कोई टर्म आता है तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करता हूँ, इसीलिए कि आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि टर्मिनोलॉजी में सबसे बड़ी समस्या होती है कन्फ्यूजन, इसका भी मतलब वही, इसका भी मतलब वही। जैसे कि अभी आपने देखा एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस, है ना, याद आ रही है, दोनों अलग चीजें हैं। आप रिवाइंड करके देख लो दोबारा से, आपने समझ में आ जाएगा कि दोनों में अंतर है ना। लेकिन नॉर्मल पर्सनल लाइफ में आप देखते हैं कोई अंतर ही नहीं है, है ना। इसलिए दोस्तों अगर कोई और कुछ छूट रहा हो, आप स्क्रीनशॉट लें, वीडियो रिवाइंड करके देखें, पॉज करके देखें, रिपीट कर कर के देखें, बार बार देखें, जिससे कि आपके दिमाग में ये एकदम छप जाए, एकदम सेट हो जाए, एकदम बैठ जाए कि इस वर्ड का मतलब ये है और यही ही है, इसके अलावा और कोई दूसरा मतलब नहीं होता, इसका दूसरा मीनिंग नहीं है कुछ। क्योंकि हमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है। जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है। जैसे कि आम आम अलग अलग सिचुएशन में अलग 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 सब्जेक्ट का जब बात हो रही होगी तो वहाँ आम का मतलब दो आएंगे, एक इंग्लिश मीनिंग उसका मैंगो होगा जो फ्रूट के सेंस में आएगा, फ्रूट। जब कहेगा कि मैं खाता हूँ आम खाता हूँ, मीन्स आप समझ जाएंगे कि वो फ्रूट की बात कर रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं। लेकिन जब वो कहेंगे आम बोलचाल की भाषा में, मीन्स आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ जो आम बोल रहा है इसका मतलब कहने का है जनरल। इसी तरह से हर वर्ड का मीनिंग अकाउंटिंग में यही ही है जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये वर्ड मीनिंग मैंने नहीं बनाए, किसी एक राइटर ने नहीं बनाए, इंडिया की अपेक्स अकाउंटिंग बॉडी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बॉडी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बेस बॉडी एक ही है और जो सुपर बॉडी है एंड 100% एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली वर्क करती है एंड 100% अपना स्टैंडर्ड्स सेट करने में योगदान देती है, वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द ICAI। मैं उनकी वोकैबुलरी आपको बता रहा हूँ, मैं उन्होंने जो अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया है मैं उसे आपको लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं, उसका बस हिंदी मीनिंग। ये इंग्लिश में मैं उसे रिपीट कर आपको बता रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, कोई कंफ्यूजन या कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा, जिससे आपका सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। धन्यवाद।